महिलाओं के लिए माँ बनना बेहद ही खास होता है। जो महिला पहली बार माँ बनती है उनके लिए प्रेगनेंसी का समय काफ़ी ज़रूरी होता है। इसलिए महिलाओं को प्रेगनेंसी से डिलीवरी तक अपना खास ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। इस दौरान हेल्दी डाइट माँ के साथ साथ होने वाले बच्चे की हेल्थ को भी बेहतर बनाती है। लेकिन जिन महिलाओं का डिलीवरी के दौरान ऑपरेशन होता है उन्हें अपनी डाइट में खास चीज़ें शामिल करनी चाहिए ताकि माँ और बच्चे दोनों की ही सेहत को नुकसान ना पहुँचे। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं प्रीति यादव आपको ये बताऊंगी कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद आपको क्या क्या खाना चाहिए। आइए सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि महिलाओं को सिजेरियन डिलीवरी के बाद अपनी हेल्थ का ध्यान रखना क्यों ज़रूरी हो जाता है। नॉर्मल डिलीवरी के बाद महिला की रिकवरी जल्दी हो जाती है, लेकिन सी सेक्शन डिलीवरी में महिलाओं को नॉर्मल स्थिति में लौटने में थोड़ा समय लग जाता है। ऐसे में उसे लंबे समय तक आपको अपने आराम और डाइट पर खास ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि सर्जरी के कारण पहले से ही आपका शरीर बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। ऐसे में बच्चे को फीड भी कराना ज़रूरी होता है। इसलिए ज़रूरी है कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराने के बाद महिला की डाइट पर खास ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि डिलीवरी नॉर्मल हो या सी सेक्शन, दोनों ही सिचुएशन में जल्दी रिकवरी और एनर्जी के लिए आपको न्यूट्रिशंस की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में ब्रेस्ट फीडिंग करवाने वाली नई माओं को रोजाना 450 से 500 के कैलोरी की ज़रूरत होती है। और वहीं जिन महिलाओं को जुड़वा बच्चे हुए हैं या जो अंडरवेट हैं उन्हें ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है। अब हम बात करते हैं कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद एक महिला को अपनी डाइट में क्या क्या शामिल करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी डाइट में फाइबर से भरपूर चीज़ों को शामिल करने की ज़रूरत है। इसके लिए आप राजमा, रेसे वाली सब्जियां, ब्राउन ब्रेड, ओटमील, मक्का, नाशपाती, ब्राउन राइस, केले, संतरा, मूली, गाजर ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, क्योंकि डिलीवरी के बाद कॉन्स्टिपेशन की परेशानी होना एक बहुत ही आम सी बात होती है। वहीं ऑपरेशन के बाद कब्ज के कारण टांकों को नुकसान पहुँचने का खतरा भी रहता है। ऐसे में फाइबर से भरपूर ओट्स आपको कब्ज से बचा सकते हैं। इसमें आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है। ये इस दौरान होने वाली गैस और कब्ज की दिक्कत से आपको राहत दिला देता है और आपका पेट भी साफ रखता है, जिससे आपके पेरिनियम पर हुए स्टिच पर जोर नहीं पड़ेगा और आपके जो भी घाव होंगे वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा आपको कैल्शियम से भरपूर चीज़ों को भी अपनी डाइट में शामिल करने की ज़रूरत पड़ जाती है। इसके लिए कीवी, नारियल, आम, अनानास, मुनक्का, बादाम, तरबूज या फिर सूखी हुई मटर, पत्तेदार सब्जियां, मछली, रागी, इन सभी को आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाने में हेल्प करता है, साथ ही आपके मसल्स को भी आराम देता है। साथ ही जल्दी रिकवरी और बेहतर सेहत पाने के लिए आपको डाइट में विटामिन से भरपूर चीज़ों को भी शामिल करना चाहिए। इसके लिए आप अपनी डाइट में गाजर, शकरकंद, सीताफल, स्ट्रॉबेरी या फिर हरी सब्जियाँ, संतरा, तरबूज ऐसी चीज़ों को शामिल कर सकती हैं। इससे आपकी रिकवरी भी जल्दी हो जाएगी और आपकी जो इम्यूनिटी है वो भी स्ट्रांग हो जाएगी। इससे आपको सिजेरियन डिलीवरी के बाद होने वाले किसी भी तरह के इन्फेक्शन से खतरा भी कम रहेगा। इसके अलावा दूध, पनीर और चीज़ प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन बी और डी का बेहतरीन सोर्स होता है। अगर आपको लैक्टोज इंटोलरेंस है तो आप दही से भी ये सब पा सकती हैं और आप इस समय ओट्स भी खा सकती हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन और कैल्शियम पाया जाता है। और ऑपरेशन के बाद महिलाओं को हेल्दी और न्यूट्रिशन से भरपूर खाने का इस्तेमाल करना चाहिए। साबुत अनाज में काफ़ी तरीके के न्यूट्रिशंस मौजूद होते हैं। इन सभी में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, आयरन, फाइबर, फॉलिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और ये साबुत अनाज माँ के साथ साथ बच्चे के बेहतर विकास में भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने खाने में दाल, ओट्स और गेहूं को शामिल कर सकते हैं। साथ ही सूखे मेवे यानी बादाम, किशमिश, काजू, अखरोट, इन सभी में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, जिंक और पोटेशियम की भी बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है। सूखे मेवों का इस्तेमाल करने से महिलाओं में डिलीवरी के बाद आई थकान और कमजोरी की समस्या भी दूर हो जाती है। इसके अलावा खाने में मसाले का ज़्यादा इस्तेमाल शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाता है। इसके लिए आप अपने खाने में हल्दी, हींग, जीरा, मेथी और अजवाइन ऐसे मसालों का इस्तेमाल कर सकती हैं। इनमें विटामिन, फाइबर और कैल्शियम जैसे न्यूट्रिशंस मौजूद होते हैं। और जीरा खाने से डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट मिल्क का जो प्रोडक्शन होता है वो भी बढ़ जाता है।
और ये तो आप सभी जानते हैं कि दाल प्रोटीन से भरपूर होती है। इसमें मौजूद न्यूट्रिशंस महिलाओं के साथ साथ होने वाले बच्चे के शारीरिक विकास को भी बेहतर बनाते हैं। इसलिए डिलीवरी के दौरान और ऑपरेशन के बाद महिलाओं को मूंग और मसूर की दाल का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये आसानी से पच भी जाती है और आपके पेट के लिए वो काफ़ी ज़्यादा हल्की होती है। इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप तुरंत के तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमसे ज़रूर पूछें। हम वीडियो लाइव होने के एक घंटे के अंदर आए सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।